नमस्कार, हेलो अदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्ट्रीम। फाइनली यहाँ पे आता हुआ। और द प्लेन इफेक्ट, आज गेम का नाम है द प्लेन इफेक्ट। काफ़ी अलग तरीके का गेम है, का पजल भी है, स्टोरी भी है, ग्राफिक्स यूनिक है, एकदम अलग। रेड, ब्लैक, वाइट, ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही अलग ही तरीके का गेम है। 5 से 10 मिनट मैंने इससे पहले इस गेम को खेला हुआ है, अब यही कारण है, मतलब मैंने लिया ही हुआ है, तो भाई डेफिनेटली इसका लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे। और अच्छे रिव्यूज़ आए अभी तक, साउंड बहुत बेहतरीन है, गेम प्ले की जो स्टाइल है बहुत बेहतरीन है, ग्राफिक स्टाइल तो जैसा मैंने बोला कि ब्लैक एंड वाइट बहुत 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 बढ़िया तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, मेरी अहमदाबाद की टीम आ गई भाई। बहुत सारी गुड न्यूज़ देनी है, मतलब गुड न्यूज़ क्या, मतलब अच्छी न्यूज़, बहुत सारी गुड न्यूज़, पता नहीं गुड न्यूज़ का इंपॉर्टेंस कितना है, लेकिन पहली गुड न्यूज़ तो यही हो गई कि अहमदाबाद की आईपीएल टीम आ चुकी है। देर लग गई, मतलब काफ़ी वक्त लग गया अहमदाबाद, लेकिन फाइनली अहमदाबाद यहाँ पे आ गया। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा पता है, CVC करके जो कंपनी है, जिसने ऑलरेडी F1 में मैं एग्जैक्टली इनका नाम क्या है, CVC कैपिटल, हाँ भाई CVC कैपिटल, इन्होंने F1 रेस की जो टीम है उसके अंदर मतलब लिया हुआ है शेयर्स। फुटबॉल की टीम के पास इनका एक्सपीरियंस है और अब क्रिकेट में आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर होने वाला है इंडिया अहमदाबाद में जो टीम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग, मतलब ये जो टीम है CVC कैपिटल, ये पूरा फॉरेन स्टाइल से ही डेवलपमेंट करें, फॉरेन स्टाइल से ही वर्क करें, हाँ इंडिया कल्चर को रखें साथ में, लेकिन जो काम करने का एथिक्स है, मैं चाहता हूँ CVC कैपिटल्स पार्टनर्स एग्जैक्ट उसी तरह से काम करें जैसा कि उन्होंने फॉरेन में F1 टीम के साथ और लालीगा टीम में, लालीगा जो टीम से उनके साथ काम किया है। मज़ा आ जाएगा, अहमदाबाद की टीम में से सबसे यूनिक होने वाली है, सबसे जबरदस्त होने वाली है। दूसरा न्यूज़ मैं ये दूँ, उससे पहले मैं एक और न्यूज़ आ गई यहाँ पे, सोमसेन गुप्ता भाई यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू यहाँ पर आता हुआ सोमसेन गुप्ता का 1000 रुपीज़ का पेटीएम भाई, 1000 रुपीज़ का पेटीएम सपोर्ट आता हुआ भाई यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे आ नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं अब जिन लोगों के, जो लोग पेटीएम वाला कर रहे हैं सपोर्ट, उनको मैं अब पिन कमेंट में डाल रहा हूँ। हाल फिलहाल सोम सेन गुप्ता की तरफ से भाई 1000 रुपीज़ का पेटीएम सपोर्ट आता हुआ। कुछ एक्चुअली इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, यूट्यूब इंटीग्रेटेड है नहीं, तो भाई और मजा आती है, क्योंकि यूट्यूब को ही मालूम है अगर वो इंटीग्रेट कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब दूसरी गुड न्यूज़ बताऊँ मैं, मतलब गुड न्यूज़ मतलब दूसरी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ ख़राब न्यूज़ वो आप लोग डिसाइड करना। अभी जो हमारा गोल है ना, ये वाला इवेंट वाला गोल, मुझे मालूम है गेम के बाद आ ही नहीं रही, लेकिन भाई न्यूज़ इतनी सारी हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हमारा मॉर्निंग नाइट स्ट्रीम दोनों चल नहीं रहा है, तो अभी ये मॉर्निंग स्ट्रीम में ही सब कुछ होने वाला है। भाई हाँ, ये इवेंट जो है अभी भी 160 रुपीज़ कम है, जी हाँ 160 रुपीज़ कम है। अगर आप पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर 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 से सपोर्ट करो पेटीएम का। मतलब हिटमैन 3 तो आ जाएगी, अगर मान लो 28 तारीख तक गोल पूरा नहीं हुआ तब तो सब हम लोग हिटमैन 3 ले ही लेंगे, लेकिन अगर 1250 हो जाता है तो रेसिडेंट एविल विलेज हम लोग लेंगे। अभी हम लोग 160 रुपीज़ पीछे हैं, तो काफ़ी क्लोज हैं, अभी 2 दिन है हमारे पास, 26, 27, 28 को रात को 10:30 बजे ख़त्म होगा सेल विलेज का, तो अच्छा खासा वक्त है। तीसरी न्यूज़ मैं एक फ़ोटो डाल रहा हूँ स्क्रीन पर को। मैंने कहा था आप लोगों की भाई ऐसा नहीं है कि मैं इवेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं भूल जाऊँगा, गेम्स बाय करना बंद कर दूंगा, आप लोगों के लिए लाऊंगा नहीं गेम्स, लाना मतलब लाना बंद कर दूंगा गेम्स। मैंने पहले ही कहा था कि भाई मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं एक फ़ोटो ला रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग गैस करो मैंने जो अभी लेटेस्ट गेम आप लोगों के लिए ला रहा हूँ वो कौन सी है। एक मिनट, इसको सेव ही कर लेता हूँ, रुको, डाउनलोड में, और फिर हम लोग मैच चालू कर देंगे, हम लोग अपनी गेम चालू कर देंगे। एक मिनट खाली, मैं इसकी जो इमेज है उसको चेंज कर दूं। ये आज लॉन्च हो रही है गेम, मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ये जो गेम अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है वो आज लॉन्च होने वाली है। मैं उसकी ज़्यादा हिंट नहीं दे रहा, बस ये जो फ़ोटो स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके, मेरे ख्याल से वही काफ़ी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, मेरे ऊपर ला दे रहा हूँ, ये वाली गेम आने वाली है। बाकी हम लोग गेम अपनी शुरू करते हैं, ऑप्शंस में जाके ग्राफिक्स मेगा तो ठीक है, डिस्प्ले एक बार ग्राफिक्स देख लेते हैं। एपिक क्वालिटी भाई, इससे ज़्यादा क्वालिटी है नहीं गेम में, तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी चल रही है न्यू गेम।
मैं चाहता हूँ गाइडेड ही खेलेंगे हम लोग, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, रिलैक्स रह के स्टोरी को एंजॉय करना चाहेंगे। आज रात को ये गेम लॉन्च हो रहा है और मैं ऑलरेडी इसको ले चुका हूँ आप लोगों के लिए। क्रिकेट को फुटबॉल की तरह कर देना चाहिए पूरे साल लीग मैचेस। इतनी यार नहीं, पता नहीं यार, बच्चे वाली गेम पता नहीं भाई। अभी मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो ये गेम चल रही है उस पर हम लोग फोकस करें। मैं बताऊंगा भाई, काउंटर को मैं चेंज कर दूं। मैंने भाई पहले ही बताया था कि जो हम लोग गेम बाय करेंगे ना, मतलब आप लोगों के पैसे से, वो तो हम करेंगे, लेकिन साथ में मैं भी अपनी तरफ से गेम्स लाता रहूँगा। स्टोरी चालू हो गई है, मैं वो हटा रहा हूँ इमेज, मैं उठ चुका हूँ गेम में और मैं बाद में बताता हूँ ये गेम का नाम क्या है, जो जो आज रात को आएगी 10:30 बजे के आसपास, हम लोग कल से खेलेंगे शायद, या फिर डिपेंड करता है। ये मैं हूँ, मेरे जैसी हालत भी लग रही है, चश्मा टी शर्ट, बस बच्ची नहीं है मेरे पास, बच्चा है। काफी खुश हैं, टूथब्रश हो रहा है। ये प्लेन वाला जो है ना, ये बच्ची ने जो हाथ में लिया है ना प्लेन, जहाज, वो एक्चुअली इस गेम के लोगो में भी है, तो मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंस है। अभी भी है, वो जहाज बनाना सीखा है बच्ची ने, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं हमें। अच्छा गाड़ी से जा रहे हैं, मुझे लगा बस आने वाली है, बस नहीं आई भाई, ये खुद ही छोड़ने गई है। अरे गई प्लेन, पीछे वाले अंकल को लगी। अच्छा बच्ची को इस पर, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, एक बार ही गाड़ी चला रहा है, दूसरी बार ही गाड़ी का वेट कर रहा है, पता नहीं। अभी भाई जो स्टोरी चल रही है उसी को एंजॉय करते हैं। अब देखो 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 देखो, अभी अभी गाड़ी चला रहा था, अब बस में बैठ रहा है, अब ट्रेन पकड़ रहा है, फिर पता नहीं, फिर वेट कर रहा है टैक्सी का, और टैक्सी में पीछे बैठा होता तो भी चलता भाई यहाँ पे। ओ, 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 ओ। बस आई भाई, मेरे को लग रहा है 2-3 स्टोरी चल रही है एक साथ। ये बंदा एक है लेकिन इसकी लाइफ 2-3 तरीके की है, जैसा जैसा अभी तक लग रहा है, वो अजीब सी बात है यहाँ पर। हाँ फाइनली काम करने आया। ये वाले कपड़े अब देखने को नहीं मिलते भाई, ये वाले जो ऐसा खींचो तो लगती है चोट। बच्चों को पहनते हुए देखा है मैंने बड़ों को पहने हुए पता नहीं कब देखा था लास्ट टाइम, बूढ़े लोगों को देखा है, बूढ़े लोग पहनते हैं ये वाली टी शर्ट। ये क्या हो रहा है? अरे भाई सब खत्म। ओ ये कौन आ गया? इस गेम का नाम है द प्लेन इफेक्ट। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, पर हाँ जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट होता है वैसे ही द प्लेन इफेक्ट भी होता होगा। ऑफिस में आ गया, चलो भाई यहाँ से गेम चालू हो चुकी है। अचानक मेरे आजू पीछे आगे पीछे का आजू बाजू का सारा सीन बदल गया है, सब कुछ ब्लैक हो गया है। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसको हम लोग मैनेज करने वाले हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ टाइप कर रहा है, बस टाइप ही कर रहा है। रुको कुछ तो होगा मेरे हाथ में, ये अपने आप ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है अपने आप ही हो रहा है। अराउंड 1 आवर हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी गेम खेलेंगे। ये क्या चीज है? एक फोटो मिला है जिसके अंदर बच्ची, इनकी वाइफ, अगर मैं सही हूं, इनकी बच्ची, इनकी वाइफ और ये खुद है और गायब। हॉरर स्टोरी लग रही है भाई, होगी 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 नो डाउट। मतलब एनिमेशन मैंने आपको पहले कहा था, ब्लैक व्हाइट और रेड, ब्लैक व्हाइट और रेड। अभी हमें ब्लैक देखने को मिल रहा है, व्हाइट देखने को मिल रहा है। ये तो वही प्लेन है यार जिसके चारों आसपास गेम प्ले फिरता है। ये वापस आ गई। अच्छा यही यही इसका एनिमेशन है भाई। ये आगे मुझे एक अजीब सी मक्खियां घूमते हुए दिखाई दे रही, पता नहीं क्या है। कंट्रोल की कोई हिंट नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम क्यों, पर कंट्रोल की कोई हिंट नहीं थी, इन्होंने सीधा यहाँ पे गेम चालू कर दिया है। कपड़ा पहनने को ना कह रहे, ऊपर एसी भी चालू है भाई। एनिमेशन देखो, वो कागज जो है ना, पता नहीं उसको एसी कहते हैं, मैंने ऑफिसों में देखा है इस तरह का कागज, इस तरह का। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लॉक है लेकिन ठीक है। कोई मैंने गाइडेड सबसे इजी मोड चुना हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। अच्छा ऑफिस बंद हो गई क्या? कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है। ठीक है आ जाते हैं हम लोग अंदर की तरफ। ऑफिस काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। गेम चाहती है कि आप इसके एनवायरनमेंट को चेक करो एक बार, आप ऐसे ही नहीं कि गेम प्ले चालू किया और सीधा घर के बाहर निकल गए। यहाँ पे
मुझे लग रहा है फाइल छू सकता है, मेरे को लग रहा है ये जो मक्खी घूम रही है ना बहुत सारी, मुझे लग रहा है कुछ है वहाँ पे। चलो मैं फिर से फेंकता हूँ इसको एक बार देखने के लिए कि है क्या, ये प्लेन का कुछ मतलब है। और साथ ही में वन ओवर देखा कहीं और गया। एक मिनट, मेरे को लगा कि भाई सेकेंड टाइम छूना होगा इसको। एक मिनट, 26:10 अभी हो रहा है, 10:21 मैं लगा रहा हूँ 11:20 का, ठीक है। कुछ टाइमर स्क्रीन पे आया होगा शायद, यहाँ कहीं टाइम लेफ्ट, हाँ आ गया, ठीक है भाई आ जाओ। एक अजीब सा कुछ कार्ड जैसा है, मेरे ख्याल से ये लॉक अनलॉक करने वाला है यहाँ पे। उठा लिया मैंने, एक्चुअली वो पजल थी उसके अंदर वो सामान पड़ा था हमारा। अब मैं जाके यहाँ पे कोट ले रहा हूँ और कोट पहन के बाहर सीधा ऑफिस का टाइम पूरा भाई नहीं ले रहा, अभी भी नहीं ले रहा। अबे निकल बाहर, कार्ड स्वाइप कर मेरे भाई, देखो कार्ड दिलवाया मैंने। हाँ कर तो रहा है, हाँ ओपन हुआ भाई, फाइनली ओपन हुआ। ठंडी बहुत है, मतलब बिना कोट के नहीं जाएगा। ठीक है कोई नहीं, समझ गया। मतलब ये भी है कि मुझे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को भी चेक करना है, अगर मौसम सही नहीं है तो कोट उठाओ। कोट उठा के जा रहे हैं बाहर, हाँ पहन लिया भाई, रेडी टू गो, लेट्स गो। अबे चल यार, बहुत वक्त लगा रहा है। दिवाली इवेंट में मैंने नहीं भाई, मैंने नहीं ऐड किया मैंने, लेकिन वो रिडीम कर लिया एक क्या कहते हैं जो फ्री फायर में होता है ना क्यूब से मैंने रिवॉर्ड अनलॉक किया एक। स्टोरी यहाँ पे चालू हो रही है, मैं तब तक फटाफट कमेंट सेक्शन अगर देख लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली टाइटल प्ले हो रहा है अब हकीकत में ये गेम यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। एक बंदा है ऑफिस में उसका, अरे यार ये ऊपर कमेंट क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। सबसे पहले जो 5 कमेंट है, गुरप्रीत सिंह, अवा एनविजेड बीजेमआई, सोम सेन गुप्ता, गुलाम मोइनू और जय मन सिंघानी। एक बार फिर भाई बिग शाउट आउट टू सोम सेन गुप्ता, 1000 रुपीज के लिए भाई इन्होंने 1000 रुपीज का यानी पेटीएम सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसें हैं, कहीं पे अभी काम चालू है, कहीं पे यूज लिखा हुआ है, कहीं पे बाय लिखा हुआ है। ये रेड कलर के भी साइन आ रहे हैं, एक्चुअली रेड कलर मतलब वो धुआं हुआ है, लाइट वाइट है, रोशनी है और लिफ्ट है बीच में जो दिख रही है ना, पता नहीं मेरा कर्सर नहीं है, जो बीच में एकदम व्हाइट लाइन आ रही है वो लिफ्ट है। मैं सबसे ऊपर काम करता हूँ बिल्डिंग में, वो नीचे उतर रहे हैं। म्यूजिक दिया है गिगलो ने, रॉबर्ट गिगलो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। डेनिस कपेला ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है इसको, डायरेक्टर है। अभी तक तो ठीक ठाक रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है क्योंकि कंट्रोल कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई हिंट नहीं दे रहा गेम कि हाँ भाई आगे जाके आपको ये करना है, आगे जाके वो करना है, तो वो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है कि कैसे करेंगे मैनेज। ब्लैंक द ऑफिस का अचीवमेंट पूरा हो गया मेरा। द ट्यूब में जा रहे हैं हम लोग, ट्यूब मतलब जनरली वो प्लेन वाला और ट्रेन वाला हिस्सा होता है। फॉरेन में जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, उनको ट्यूब कहते हैं कि भाई कौन से ट्यूब में, मतलब ये ट्यूब में आ गए। मुझे कोई दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ बटन्स जरूर दिखाई दे रही हैं। अंदर जाने का एंट्री पॉइंट है और बाय लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। एनिमेशन काफ़ी मतलब अलग है, उतरने का स्टाइल काफ़ी अलग है। कार्ड मतलब ये कार्ड, कोई कार्ड चाहिए हमें यहाँ से निकलने के लिए। और मैंने डिफिकल्टी गाइडेड रखी है भाई, कोई गाइड ही नहीं कर रहा मेरे को, पता नहीं ऐसा गाइडेड का क्या मिशन का मतलब। ये लॉक है आगे, दरवाजा आगे ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओह अरे मर गया, अबे ये कैसी बात है, मतलब आप स्टोरी बेस्ड, मतलब झटका लगना था यार ये मर क्यों गया, इसको मरवा दिया भाई इसने। चलो पीछे जा रहा हूँ, पीछे तो कुछ नहीं। अब मेरे को रेड ये क्या ग्लव्स, अरे ये ग्लव्स पहनने हैं आपको और जा ये क्या हुआ, एक मिनट ये जंप भी करता है। अच्छा हाँ, अरे मैं समझ तो गया क्या करना है। अच्छा जब मरता है इंसान तो वो ग्लव्स अपने आप आ गया उसके हाथ में, ठीक है अच्छी बात है मेरे लिए तो, और अच्छी बात है।
अब जो आगे मुझे वो ग्लव्स पहन लिए, अब मैं इसको छू सकता हूँ करंट वाले को, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चालू हो गया, बढ़िया। अभी और आगे जाना, देखना होगा क्या है। साइन तो रेड रेड ही आ रहा है हर तरफ, आगे रोशनी भी नहीं है ज़्यादा भाई। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ग्लव्स रेलवे ट्रैक से उठाए और वो ट्रैक उठा के रेलवे पर से वो जाके उसने अपनी सर्किट ठीक की। अब यहाँ पे शायद ये मेरे को लग रहा है टिकट है, ये टिकट निकलेगी। नहीं नहीं अभी कुछ कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। हाँ ये तो सोडा वोडा यार, ये तो पैसे वाला है। ये क्या गिरा, ये क्या गिरा, पैसा गिरा। हाँ अब ये पैसा लगता है ये टिकट वाले पे डालना है, टिकट काउंटर में मेरे ख्याल से। हाँ ओ यार ट्रेन आ गई, पर अब क्या करूँ मैं। अच्छा अपने आप ही हो रहा है ये। अच्छा दरवाजा दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आओ एक्चुअली ये एटमोस्फेरिक हॉरर गेम कहते हैं। ओ ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या, मुझे कुछ फायदा दिखा नहीं इसका। साइन अभी भी यहाँ, ए नहीं 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 ओए आ, ठीक है आराम से समझ रहे हैं हम लोग। अभी तो भाई गेम में आई हैं, आगे देखो यहाँ पे ये पूरा एटमोस्फेरिक हॉरर गेम है। ये रही टिकट, टिकट मिल गई, टिकट मिल गई। अरे वहाँ से फेंकी थी, यहाँ आगे गिरी। फाइनली हमारा ट्रेन आया। अब काफ़ी अलग लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स है ना, बहुत यूनिक लग रहा है ग्राफिक्स। अब मुझे यहाँ पे दरवाजा तो कोई दिख नहीं रहा, मैं घुसने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अबे चली गई ट्रेन। अरे 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 मैं बैठा कि नहीं बैठा भाई, कुछ दिखा नहीं मेरे को उस तरफ, बैठा कि नहीं। अरे हाँ हो गया, बैठ गया था कि क्या हुआ। बैठ गया भाई, वो एक्चुअली एनिमेशन अपने आप ही आया है, हमने कुछ नहीं किया भाई। अरे ये तो जनरल डब्बा है, मतलब वो है सीटर है लगता है, सोने की जगह नहीं है यहाँ पर। हाँ सोने वाली पता नहीं। हाँ 2S है भाई, 2S है, ये स्लीपर नहीं है, एसी नहीं है, ये 2S डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, 2S कोच है, कोच। इसमें आप सिर्फ बैठ सकते हो, खड़े रह सकते हो, सोने वाली जगह नहीं है, स्लीपर नहीं है। ये जनरली पता है जो लोग ऑफिस जाते हैं ना, वो लोग इसी तरह की ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे का सफ़र होता है, सो के कौन जाएगा भाई, और टिकट इसमें मिलती रहती है। तो हम लोग एक जगह से निकले हैं, दूसरी जगह पहुंचे हैं, ये अब आ गया है सड़क, हम लोग ट्यूब से बाहर निकल गए हैं, और मैं रोड क्रॉस करते 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 मुझे आजू बाजू जो भी, अच्छा यहाँ पे सिग्नल भी हैं। अरे ये क्या हुआ, अच्छा रेड साइन आ गया है, अच्छा रेड साइन आ गया, मतलब आप उस हिस्से में नहीं जा। अरे ये फ़ोन कर रहा है किसी को, ठीक है पैसे होंगे नहीं, पैसा बाहर गिरा 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 रोड पे गिरा है भाई, देखना। अरे देखना ट्रेन, अरे अरे कितनी कड़क बनाई है भाई गेम। पैसा आ चुका है आपके पास, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपने उठा लिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं देखूं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अरे गजब है भाई है, मतलब अरे रेड लाइन पर नहीं, ये अच्छा है भाई कि आप कॉर्नर पे नहीं चल सकते जब रेड लाइन आ जाए, जब आपका रेड लाइन पूरा हो जाए तब आप आइए, तब आप बैठिए, बाकी आपको बैठ खड़े रहना भी मना है यहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। देखो मैं रोड क्रॉस तो कर रहा हूँ, हाँ कर गया भाई, किसी तरह से गिरते पड़ते। अरे 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 ओ ये क्या कर रहा है, अच्छा एक मिनट ये पजल आई है भाई, मैं जब इसके ऊपर खड़े रहता हूँ तो वहाँ पे खड़ा रहता है, उसको लगता है कि वहाँ पे कोई है, उसको ऐसा लग रहा है उसमें धुआं निकल रहा है ना। अच्छा ये लकड़ी का हिस्सा, अरे फेंक क्यों रहा है, फेंक रहा है भाई ये पता नहीं क्यों, उस तरफ फेंक लोहे वाले पे फेंक, और हवा से वापस आ जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अरे गजब कॉमेडी है। अब देखो यहाँ पे मुझे उसको बिजी रखना है, वो जो ड्रोन है ना, हर इलाके में एक ड्रोन होता है, उस ड्रोन को आपको बिजी रखना है, अगर वो बिजी रह गया ड्रोन तो फिर वो आपको पकड़ेगा नहीं,
तो मैं समझ तो गया हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो अभी पहेली है मेरे लिए। अंदर तो जाता नहीं हो, कोई चांस नहीं है। ए गया 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 गया, पागल गया, बच्चा 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 जम करके बच्चा। अरे गया यार, उस तरफ जा ही नहीं सकते। ठीक है कोई नहीं कोई नहीं, हम पीछे जाएंगे यहाँ पर। अरे भाई गेम के बारे में बात कर लो, बहुत अच्छी गेम है भाई, है बहुत अच्छी प्यारी सी, लाइट वेट, आपके पीसी में चल भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं यहाँ पर। करना तो यही है भाई, ये जो है ना मुझे यहाँ पे किसी को खड़ा रखना है, किसी चीज को खड़ा रखना है। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे जाते हैं। मैं ऐसे भी रेड साइन हट गया है, ठीक है मैं यहाँ से आगे तो बढ़ गया। अरे अरे हट गया वहाँ से, हट गया वहाँ से, हट गया। अच्छा हाँ यहाँ से कुछ निकलेगा, सिक्का विक्का उछल के जाके उधर गिरेगा शायद। मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले ही बता दूँ एनिमेशन मेरे हाथ से जा चुका है, किसी को कॉल लगाया इसने, कोई बोल रहा है खाली ओके बोला बस, ठीक है। अच्छा ये टैक्सी आई, ठीक है तो टैक्सी बुक कराई थी क्या, पता नहीं अजीब सा है। मैं अपना दिमाग लगा रहा था कि ये गेम में ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा वो टैक्सी जाके खड़ी हो गई है, ठीक है समझ गया समझ गया। पीछे जा पीछे जा पीछे जा भाई, वो है यूज। अरे यार प्लीज बचा ले, अरे प्लीज बचा ले भाई, टैक्सी वाला मरेगा, टैक्सी वाला मरेगा, ये बोर्ड उसको ले जाएगा शायद मारने, शायद हाँ शायद, क्योंकि मैं अभी यहाँ जाऊँगा भाई। जल्दी 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 जल्दी, कंट्रोल थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, कंट्रोल थोड़ा सा खराब है। अब देखो मजा आएगी, वो टैक्सी वाला गया गया, क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या था, मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल था कि कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अंदर बैठने की भी जगह नहीं है कि हाँ भाई बैठने की भी जगह हो। चलो कोई नहीं, आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे जाना ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रोड क्रॉस कर सकते हो आप। फुटबॉल खेल रहा है भाई, हम सब लोग कबूल करो या ना करो, मैंने भी रोड पे चलते चलते पत्थरों के साथ फुटबॉल खेला है, और यहाँ पर भी जितने लोग शायद देख रहे हैं सबने कभी ना कभी तो फुटबॉल खेला ही होगा, रास्ते में पड़ी बोतल के साथ, रास्ते में पड़े पत्थर के साथ। ये चिड़िया, ये कौन आया, चिड़िया को उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, उड़ गई चिड़िया, ये फिर वो गटर के पास पहुंच गई। अरे समझा नहीं मैं क्या करवा रहा है, अजीब सा है भाई अजीब सा है। मैं आगे जा तो रहा हूं लेकिन ये, अरे यार ओ अच्छा, वो चिड़िया जो है वहां पहुंच गई है उस जगह पे, ठीक है कोई नहीं। मैं पीछे जा रहा हूँ, वो चिड़िया वाला जो हिस्सा है उसको ऑन करवा रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है पजल का हिस्सा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी भाई डाउट होता तो मैं नहीं करता ये वाला। और भाई लाइक जरूर करना जो लोग देख रहे हो भाई इस समय वीडियो। अरे ये हट क्यों नहीं रहा, ये पजल हटी हटी हटी, फाइनली हटी। अबे रोड है यहाँ पे तो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, हटाओ यहाँ से। ये चिड़िया अब यहाँ आ चुकी है, कहाँ गई, अब यही तो थी अभी, वोरी 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 बैठी है बैठी है बैठी, दिखे 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 भाई, ये नहीं चिड़िया। अच्छा हाँ इसको मारेंगे तो चिड़िया उड़ेगी शायद, हाँ अब ये कहाँ गई, अब ये ऊपर चली गई। अरे अब देखे भैया, ओ ये क्यों टूट गया, अच्छा उसमें से, अरे मेरे पास शायद मौका है थोड़ी देर भागने का शायद। अरे यार अच्छा भाग सकते हो आप जितनी स्पीड से जाओ उतनी स्पीड से, क्योंकि वो ड्रोन जो है वो हम बिजी हो गया है, तो इतनी देर में मैं फटाफट यहाँ से निकल जाऊँगा। अरे यार जल्दी 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 जल्दी, मैं इतनी देर में निकल जाऊँगा यहाँ से और फटाक से जाके, मैं जो सोच रहा हूँ पता नहीं ऐसा ही है कि नहीं, हाँ ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, बहुत बढ़िया। अरे लॉक
ये क्या हो रहा है? अरे वापस आ गया हूँ वही। अरे ये क्या था भाई, वापस से ऑफिस और वही वही ऑफिस। अरे सब टूटा फूटा है, ये कैसे है? ये क्या फेंका हुआ है कुछ अजीब अजीब, सब टूटा फूटा है भाई, पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। लोग यहाँ पे सब देख रहे हैं मेरे को, देखो और कुर्सियां आसमान में उड़ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ वो प्लेन पड़ी हुई है, प्लेन पड़ी हुई है, पता नहीं इसी का कुछ यूज है। अच्छा जेब में रख लिया, पता नहीं क्यों सब लोग देख रहे हैं मेरे को। पूरा ऑफिस टूट फूट गया है, जैसे मैंने ही तोड़ा फोड़ा हो भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ अंदर कैसे आया, मुझे यही नहीं पता। मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये क्या हुआ? अरे ग्लिच्ड भाई, ये तो वापस ले आया, वापस ला के फायदा मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आगे क्या करना है यहाँ पे। एक मिनट मुझे देखने, तो फिर से अंदर जाता है क्या? नहीं इस बार खोला, इस बार खोल के गया, वो एक्चुअली ग्लिच हो गया था, सिस्टम ग्लिच हो गया था। ये भाग रहा है भाई अपने घर पे कि मेरे साथ आज पता नहीं क्या हुआ दिन में। कैसे दौड़ रहा है भाई, ऊपर का हिस्सा, लोगों का जब लोग जब दौड़ते हैं तो नीचे का हिस्सा ज्यादा हिलता है, ये भाई साहब दौड़ रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा हिल रहा है। अजीब सा हिल रहा था, पता नहीं क्या अजीब, अलग अलग ही स्ट्रक्चर। अगला मिशन आ रहा है द फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब क्या होता है? फ्लैक्स मतलब मैंने सिगरेट सुना हुआ है शायद, पता नहीं ऐसे ही कुछ है। फ्लैक्स मतलब आ तो गए नदी वदी के किनारे गई, आगे कोई रास्ता ही नहीं। फिर चिड़िया आई, ओके एक कपड़ा ले गई। अबे अच्छा बर्फ गिरी हुई है, अबे तो बर्फ गिरी है तो कैसे पहचानूंगा मैं। हाँ ये रही ये रही ये रही, ये छिपी ये रही ये रही, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ 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 ले, कपड़ा छीन कपड़ा छीन कपड़ा छीन। अबे भाग गई भाग गई भाग गई, फिर भाग गई, गजब चिड़िया है भाई। फिर आई फिर भाग गई, कोई नहीं मैं पीछे पीछे जाता रहा, लेकिन मेरी सांस फूल गई है इस गेम के अंदर। ये रही ये रही ये रही ऊपर, अरे आधा त्रास तो इसका। अरे वो कुछ पड़ा है नीचे, नहीं वो बंधा हुआ है पेड़ पे, बांधा है किसी ने। वेलकम भाई सभी लोगों का जो नए लोग इस बीच जुड़ रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया। जो गेम चल रही है द प्लेन इफेक्ट नाम है इसका, एक बंदे की कहानी है जो ऑफिस पे गया लेकिन उसके साथ फिर कुछ अजीब सा हो रहा है, जो हो रहा है वही है कहानी। ये चिड़िया ने इसका कपड़ा ले लिया है, बोलो लोग बंदर ने, मैंने सुना है बंदर कपड़ा लेता है लोगों का, यहाँ पे चिड़िया दुष्ट है, बोलो अब गायब भी हो गई, दिख भी नहीं रही। अरे ये तो दो तीन चिड़िया आ गई लग रहा है, नहीं 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 एक ही है, लग खाली ऐसा रहा है कि दो तीन है, अब तो दे दे। अरे यार स्टॉप स्टॉप, आ कुछ हुआ, अरे गिर गई गिर गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ बहुत सही हुआ। चिड़िया दुष्ट कहीं जी, ये तो ठंडी का मौसम, ऊपर से मेरा कपड़ा ले गई, बोलो गिर गया, लेकिन कपड़ा गिर गया उससे, हमारा स्कार्फ ठंडी से बचाने वाला, कान बंद रखना हो और या तो ठंडी चेहरा ढकना हो, बहुत काम का आता है। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल गति से आगे ही बढ़ रहा हूँ, राइट लेफ्ट करते हुए। ये तो वाइफ आ गई इनकी, अरे गायब हो गई यार। और मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, पहले ही कह दूं, ये देखो मैं नहीं चला रहा, ये स्टोरी चला रही है। एग्जाम पूरी हो गई, बढ़िया भाई, यहाँ पे काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अरे हाँ यार, तो दिवाली की छुट्टी आ रही है ना, परीक्षा तो पूरी हो जाएगी। ये क्या चीज थी, मेरे समझ में कुछ नहीं आया भाई। अरे अरे ये है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे बबल हो, जमीन में से निकल रहा है बार बार। मैं चला रहा हूँ कि नहीं? अच्छा मेरे हाथ में अभी भी कुछ भी नहीं है, ये एनिमेशन है इस गेम का, मेरे हाथ में अभी भी कंट्रोल नहीं है। कुछ अजीब सा निकला जमीन से जो इसके तीन तरफ से गया, ओ खा गया भाई इसको, बाप रे निगल गया भाई इसको, निगल गया पूरा पूरा निगल गया इसको कहते हैं। खत्म, पेट में गया, और ये गेम का हिस्सा है, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कोई खत्म नहीं हो रहा गेम, ये एक्चुअली गेम का हिस्सा है, वो उसके पेट में चला गया
और यहीं से वार्म हॉल में फंस गए हम लोग। द फ्लैक्स के बाद अगला मिशन आ रहा है द वार्म हॉल। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे ये तो उसका पेट आ गया, कितना गंदा गंदा खाया इसने। बबल्स कुछ काम के हैं कि नहीं? हाँ मुझे पता था फूटेंगे, मुझे पक्का लग गया फूटेंगे बबल्स। हाँ भाग सकता है, थैंक यू। ये क्या चीज़ है ये? कुछ ये ना, ये मेरा एक तरीके का चेक पॉइंट जैसा है शायद। अब ये कुछ पकड़ने का निशान है लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, देखो ऑप्शन आ रहा है, मैं कूद भी सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, कूद तो सकते हो लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। अब मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको अगर पकड़ के मैं ले जाऊँ यहाँ तक और इसके साथ कनेक्ट करवा दूँ जो ये रोशनी चल रही है इतनी। अभी मैं कूद रहा हूँ लेकिन हाँ ये क्या है, ये क्या मिला? अच्छा वो जंप किया भाई मैंने, नहीं तो मैं मिस कर गया था। और ये पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई। ये तो वही टैक्सी है शायद जो गिरी थी, जो हमने फंसाई थी वहाँ पे। ये तो आँख है इसकी। ओ क्या एनिमेशन था भाई। हमारा जो अंदर का वो होता है ना रेटिना, वो भाई जब रोशनी देखता है तो चौड़ा होता है, बड़ा होता है, हम उसकी आँख में घुस गए। गजब बेइज्जत, गजब है मतलब। ये कुछ हो तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली कुछ एनिमेशन या कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। टोका टोका क्या है भाई, ये मुझे गाइड कर रहा है क्या? ये जो रोशनी है ना, मेरे को लग रहा है गाइड कर रही हो मेरे को कि आपको ऐसे रास्ता पार करना है। आगे का रास्ता तो बहुत भयानक है। ये क्या चीज आई, ये पूरा उसका पेट है। जिनको पता ना मैं बता दूं, मैं एक जानवर के पेट में जा चुका हूं यहां पे। फिर आंख आई, ये दूसरी आंख है क्या कि मैं चक्र में फंस गया हूं भाई, समय चक्र में। फिर एक आंख आई। अरे ये जानवर है कि जानवर के अंदर जानवर्स। ओ बैटरी चार्जर, ठीक है बैटरी चार्जर। और इतनी सारी इतनी चीजें खाई है ना, टेलीफोन बूथ खाया है, गाड़ियां खाई हैं, सड़क खाए हैं, जो औजार पड़े होते हैं वो सब खाए, बहुत कुछ खाया है भाई इस बंदे ने। कुछ मिस कर गया मैं, कुछ मिस कर गया भाई मैं। या तो आगे से लाना है या तो पीछे से लाना है यहाँ पर। गाड़ी तो पड़ी है लेकिन किसी काम की नहीं। मेरी हेल्प कर रही है बंदी ये, मतलब ये जो आगे रोशनी आ रही है ना वो मेरे को गाइड कर रही है एक्चुअली। ओ ये तो करंट है, करंट है, करंट है। एक बंदा ऑलरेडी मरा पड़ा है वहां पे अंदर, देख सकते हो आप। और मैं कूदूंगा तो क्या होगा, मरूंगा ही ना, सीधी सी बात है भाई। ये तो कूदेंगे करंट के पानी में, कूदेंगे तो क्या होगा, मरोगे ना, वही हुआ है यहाँ पे। ऑस्कर, नाइट, सुजय, मुजम्मिल, हैदर, यहाँ पर एक जन सवाल पूछ रहे हैं एक्चुअली, पता नहीं क्यों सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सवाल भाई, ठीक है। बोल रहे हैं कि शुभम ने 1000 रुपीज़ सपोर्ट किया तो गोल क्यों नहीं पूरा हुआ। शुभम का भाई सिर्फ 200 इज काउंट हुए हैं, सबके 200 ही काउंट हुए हैं जो एक्स्ट्रा मनी है। और ये इनका गेम सपोर्ट नहीं था शुभम का, वो शुभम का गेम सपोर्ट नहीं था। शुभम का एक्चुअली वो नॉर्मल जैसे सुपर चैट करते हैं, ये वो सपोर्ट था उनका, वो गेम सपोर्ट नहीं है उनका वो। गेमिंग वर्ड, अरे हाँ भाई लेकिन अभी रात का इश्यू चल रहा है ना। रास्ता तो यही है पर दिख नहीं रहा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस कर गया मैं, यहाँ कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस कर गया, ऐसी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए थी। अच्छा इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, चढ़ सकता है क्या? अच्छा हाँ इधर रास्ता, एक मिनट, हाँ जा तो सकता है लेकिन एक मिनट, अरे हाँ ऊपर जा सकता है ये। अरे सही है भाई, मतलब अगर जा सकता है तो फिर बहुत बढ़िया है, पर कुछ फायदा नहीं ना इसका। मुझे वो करंट को खत्म करना है, वो जो करंट है ना, मुझे उस करंट को हटाना है। रास्ते में कोई पजल है जो मैं मिस कर रहा हूँ बहुत बुरी तरह से।
नहीं, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, ये लिमिट है बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है यार, रोशनी तो है लेकिन कुछ फायदा नहीं ना रोशनी का। इतना कुछ खास, एक मिनट इसके अंदर देखूं, शायद कुछ हो ऐसा वायर या तो ग्लव्स हो पैर वाले जो काम आ सकते हो। ये तो किसी काम का नहीं है, ये हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा वो इसको खींचने का गिराने का कुछ। नहीं ऑप्शन ही नहीं है भाई, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, यही पजल हो सकती है शायद, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा, दिक्कत हुआ है। एक मिनट कुछ कर रहा है वो, एक मिनट इसको छू रहा है वो, एक मिनट ई दबाओ इसको छू रहा है, ये ऑप्शन आ नहीं है लेकिन फिर भी ये छू रहा है गेम को, देखो दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है निकलो, आगे निकलो भाई, ये है पजल, कंफ्यूज कर रही है मुझे, क्योंकि आगे फिर करंट आएगा, आगे फिर करंट आएगा, मुझे वो करंट वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ कंफ्यूजन है सबसे बड़ा, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। ऑप्शन आ तो रहा है भाई, ये रहा, ये मिस कैसे कर गया यार मैं, रुक मिनट इसमें क्या करना है मुझे वो नहीं, इसमें देखो एक अजीब सा निशान बना है हेल्थ जैसा और या तो बॉक्स जैसा कुछ। वो ना बोल रहा है कि मैंने अभी कुछ कंप्लीट नहीं किया है पीछे की तरफ, इस कारण से ये हो नहीं रहा। ठीक है मुझे लगता है इस गाड़ी को मुझे बांधना है, बांध के लटकाना है शायद, वापस जा रहा हूँ मैं पीछे, मेरे इसका कंट्रोल दिखाओ मुझे एक बार, इसका ऑप्शन देखने इसके कंट्रोल कैसे हैं, कुछ कंट्रोल में मिस तो नहीं कर रहा, की बाइंडिंग्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस शिफ्ट कंट्रोल से स्पीड डाउन गाइडेड मोड। अच्छा अब बताना भाई, मैं वही बोलूँ मुझे लगा कुछ गड़बड़ है यार। अरे यार ये रहा, यही है भाई, यही है यही है। हाँ गाड़ी तोड़ी, पहले क्यों नहीं किया यार तूने, मुझे ये नहीं समझ में आया भाई ये नाटक, सीरियसली मुझे पहले नहीं समझ में आया क्यों इसने नहीं किया यहाँ पे। ठीक है आराम से ऊपर चल भाई, ऊपर चल चल कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ऐसे ही होनी चाहिए गेम्स। ये नीचे की तरफ दिखा रहा है कुछ, वो नीचे वाला एक्चुअली फूल रहा है नीचे जो है ना, ये गाड़ी चलेगी क्या, है तो यही पजल है यही, यहाँ पर से ही कुछ होने वाला है गेम में, चेंज होने वाला है, तो मेरे को ऊपर जान दे तब ना, ये फूल जा रहा है बार बार, आगे एक पिंक कलर का भी फुग्गा है, ऊपर चढ़िया ऊपर चढ़िया। हाँ इसकी बैटरी, भाई इसकी बैटरी निकालेंगे हम लोग, हाँ निकाल ली क्या, हाँ भाई अरे रे रे रे, अब हो गया भाई, अब देखो गेम कैसे पूरा होता है, खाली अब वेट एंड वॉच। ये बात भाई, बंदे का फॉर्म देखो, इसमें लगा दो बैटरी, बैटरी या जो भी था पता नहीं, अभी देखेंगे। डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से, चार्ज हो गया क्या, चलो जो भी है पार हो गया, ये चार्ज पार, यहाँ तो ऑलरेडी वायर का डिजाइन बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है हमें, आराम से भाई। ये बात भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। अरे एक मिनट कुछ मिस कर गया मैं फिर से पीछे, कुछ लग नहीं रहा मेरे को भाई मैं कुछ मिस किया हूँ, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा आया, कहीं कुछ था ही नहीं। अरे हथौड़ा, अरे भाई ए! ओ अच्छा, लाइट रोशनी से डरता है ये जो करंट है ना, ये जो लाल कलर का है बंदा, ये जो भी चीज थी मतलब ये इसका डंक कहो या जो भी, ये रोशनी से डरता है, रोशनी अगर है तो फिर ये पीला हो जाता है, अभी देखो पीला हो जाएगा या हट जाएगा, ये देखो हट गया, सही है यार, पार 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 पार, मेरे ख्याल से पार, बाकी तो भी देखना होगा। ये गेम एक्चुअली ऐसा था ना कि आपको नजरें यूं ही रखनी है एकदम यूं, अगर आप थोड़ा भी मिस ये तो फिर मिस कर गए, हथौड़ा मैं मिस कर गया था ऑलमोस्ट, फिर कुछ पीछे रह गया क्या, कुछ मिस कर रहा हूं मैं,
अच्छा वो वहाँ लाइट जल रही है, कुछ वहाँ लाइट जल रही है, देखो अरे आगे तो करंट ही है भाई, मुझे पता है ये बात, आगे करंट है। अजीब सा है भाई यार, स्पैम मत करो यार। लाइट जल रही है कहीं पर, दिख नहीं रही हमें। ऊपर चल भाई ऊपर चल। ये क्या है, मुंह पे रोशनी। ये जो आगे वाली लाइट है ना वो जलानी है मुझे, ये जो आगे वाला बल्ब है ना। मेरे राइट और लेफ्ट में दो बल्ब है, रेड और, अभी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, रुक दबाए रखता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा भाई ये। अभी अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा भाई, मुझे पता है। अच्छा हाँ, आप जली रेड लाइट, जली रेड लाइट जली, ठीक है। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा यार, तुरंत मर गया, तुरंत मर गया भाई, तुरंत के तुरंत मर गया मैं, मौका ही नहीं दिया कुछ। ठीक है फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला तो हो जाता है, इसके बाद वाले में दिक्कत है। असली गेम प्ले यहाँ आएगा, यहाँ एक लॉजिक है एक्चुअली। मेरे को लगता है लाइट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में लाइट जल रही है, जब वाइट लाइट जलती है तब आप जा सकते हो शायद, रेड हो तब नहीं मेरे ख्याल से। अभी भी रेड जल रही है, अब येलो अब ब्लू। अरे एक मिनट, पानी में तो रहने दिया इसने मुझे, मुझे वही लग रहा है भाई, पानी वाला वाइट और रेड, हमने स्क्विड गेम्स में देखा था ना भाई, यहाँ पे वैसा ही है ये तो, इसमें दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, असली दिक्कत आगे आ रही है पानी वाले में। जब व्हाइट लाइन हो तब निकलना है बिना टच किए, टच करके निकलोगे भाई तब तो मरोगे ही। अभी देखो अरे एक मिनट अभी आराम से, एक्चुअली कैमरा एंगल मैं रोटेट नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं खुद फंस गया हूँ। अरे यार डरा रहा है, हुआ वाइट हुआ, अरे नहीं यार नहीं हो रहा, क्या हो सकता है इसमें, तो यही चल रहा है कि आप ऐसे लाइट जलाओ तो हो जा रहा है, लेकिन जब वो आगे जा रहे हो ना सेम चीज करने तो नहीं हो रहा, ये कुछ तो करना है नहीं, ये सब तो काम का है नहीं, सब वायरिंग लगी हुई है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ से जा सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता वहां से जा सकते होंगे, कोई गिर ही जाएगा बंदा है, क्योंकि कितनी देर ऊंचाई पर चढ़ेगा, अब तो चढ़ भी नहीं पा रहा लो। मरेगा पक्का मरेगा, अब लाइट जली तो है लेकिन मर गया यार। अंकुर कह रहे हैं वाइट होने का वेट करो, भाई वाइट ही हुई है तो, तीन बार भाई मैंने कोशिश की यहाँ पे, तीन बार लाइट की कोशिश की। इंडी गेम है भाई, ऑब्वियस बात है यार, इंडी गेम नहीं होता, फेमस गेम होता तो भाई अभी आप लोग जानते होते हैं कि द प्लेन इफेक्ट नाम का कोई गेम आया है। देखो फिर से दबाता हूँ, रुको ना, ये एक्चुअली तीन चार जगह लाइट जलवा रहा है, मुझे दिख नहीं रहा ये, देखो मैंने ऑफ की, अब फिर से लगा रहा हूँ, अब कहीं और नहीं है, वहीं पे ही लाइट हो रही है, लाइट तो वहीं। अच्छा हाँ वाइट पे रोकना है, वाइट पे होने भाई तब रोकना है, अभी रुको बताता हूँ मैं, समझ गया। हाँ अरे यार ये वो जब वाइट हो तब आपको रोकना है, ये फंडा है इस गेम का, पजल का। हो गया भाई, कंप्लीटेड, डन। गया ये, बहुत अलग था भाई ये वाला। अच्छा है मेरा दिमाग थोड़ा सा यूज करवाया, नहीं तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मुझे लग रहा था अब क्या है भाई, अब तो पार ही हो जाएगा, गेम ने सरप्राइज किया भाई, मजा आ गई। अरे ये तो नीचे गिरता जा रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी रोशनी पीछे से आ रही है, वो ऊपर होता जा रहा है। भाई कूद मत, अभी उसी में करंट है, अभी लगेगा मस्त वाला रापचिक वाला करंट। पीछे बेसबॉल। अच्छा हुआ जाते जाते देख लिया। जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं, ये जो बंदे मरे हैं ना ये एक्चुअली हो सकता है हमारा ही रूप हो,
हम लोग ने इससे पहले जो खिलाओ हो सकता है वो, या तो फिर हमसे पहले जो लोग आए थे ये वो लोग हैं, और ये वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल से कांच तोड़ना होगा मोस्टली, यही होगा। नहीं 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 कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ आगे की जो बैटरी वैटरी है कुछ फिर कुछ करना है। ओ तोड़ के, क्योंकि जाम हो गया था ना। गेम ट्रिकी है ये। हाँ भाई, मतलब आप ऐसे बैठोगे तो ऐसा नहीं कि यूं करके खेल लो, अरे ऐसे ऐसे करके नहीं, आपको यूं करके ही खेलना है कि हाँ भाई अच्छा अब ये हो रहा है ठीक है। सबसे अजीब चीज़ इसकी आंखें कितनी सारी थी भाई इस बंदे, इस कीड़े की, इस कीड़े की कहो या जो भी कहो आप, आंखें बहुत थी। अब रास्ता खुला तो है पर अब कहाँ जाएगा वो देखना है मेरे को, और चीजें इतनी छोटी जगह है ना, जैसे मतलब एक बंदा मरा है उसके बाजू में उसका बेल्ट पड़ा है, बोलो अब इतना ध्यान रखना तो भाई तभी पॉसिबल है जब आप फुल फोकस से गेम खेलो। था ये बाहर आ गए हम लोग, ये अब मेरे हाथ में कंट्रोल छूट गया है। नहीं नहीं, नहीं अरे मेरे हाथ में ही है, एक मिनट मेरे हाथ में ही है। अच्छा हुआ नहीं छोड़ा भाई मैंने, अभी जा कहाँ रहा है लेकिन, अरे 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 ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आया मुझे कुछ, मेरे सामने कौन सा ब्लॉक है, मेरे सामने कौन सा ब्लॉक नहीं है समझ नहीं आया मुझे। मैं ऊंचाई नहीं समझ पा रहा भाई, मेरी ऊंचाई कितनी है। अब जैसे ये लग रहा है ब्लॉक मेरी तरफ नहीं है, ये देखो ये समझ नहीं आ रहा है ठीक है। अभी कॉर्नर से निकल ले भाई, समझना ना समझना अभी तेरी तेरी समझ नहीं है ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे का रास्ता काफ़ी खाली है। समझ में नहीं आता भाई कौन सा सेम हाइट में, फिर आया कौन सा सेम हाइट में नहीं है, फिर आया यार। चलो ठीक है बच गए भाई काफ़ी है, और आप फुल रोटेट करवा सकते हो इसको, ये सुपरमैन बन गया भाई, गजब है। अरे 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 बच्चा वाले में एनिमेशन आ जाता है यहाँ पे। ओ एक शरीर दूसरे हिस्से में निकला, फूट भी रहा है कुछ, बाजू में कुछ बजाने का भी है, भोपू बजाने का शादियों में बजता है ना, पर ले नहीं पा रहा मैं उसको, ले नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ आगे बैट पड़ा है, बैट है सही में, नहीं 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 बैट नहीं है, बैट जैसे डिजाइन है लेकिन बैट नहीं है। और ये कुछ फूट रहा है पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं मालूम ये फूट रहा है लगातार। अब मैं शायद इसको मैप फोड़ूंगा। हाँ करंट है, नहीं नहीं कांच का, बस एक बार से नहीं फूटेगा भाई ये। हाँ ओए दूर रहना था पागल आदमी, मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ, मतलब बम फूटने वाला है, मैं बम के सामने खड़ा हूँ कि अब फूटेगा बम, फूट गया चलो ठीक है। इसको उठाएंगे हम लोग फिर भागेंगे फुल स्पीड से। अरे ये कहाँ ले जा रहा है, जंप कर सकते हो, नहीं नहीं कुछ कर रहा है वो, कुछ निकाला जेब में से और बजाने लगा। ये क्या हो रहा है भाई, रास्ता बन गया, हाँ रास्ता बन गया, नहीं कुछ तो हुआ है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता ये क्या है लेकिन कुछ तो हुआ है। मैं मान लो जंप करता भी हूँ, अरे है क्या, अच्छा यहाँ कहीं से धुआं, एक मिनट अच्छा ठीक है रुको रुको, ये जो है ना अरे भाई इसने कैसा पता नहीं क्या बनाया लेकिन एक रास्ता बन गया अपने आप ही, गजब बेइज्जती है भाई। रुको एक मिनट यहाँ ये गोल घुमा के कहाँ ले जा रहा है, एक अजीब सा रास्ता बना है, मुझे समझाते नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है लेकिन एक रास्ता बना है, उस रास्ते को आप ऐसे ही नहीं पार कर सकते, आपको उसका एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप उससे भटक गए तो आप मरवर भी सकते हो शायद। बहुत ज्यादा भाई ट्रिकी है, हाँ कुछ आई ताकत जैसा कुछ है आगे पर मैं अभी उसको नहीं ले सकता, मुझे गोल घूम के पूरा रास्ता चे। अरे ये क्या है भाई, बचना उससे वो फूट सकता है मेरे को लग रहा है। अरे 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 अरे, अरे, अरे ओ मैंने कहा ना भाई कि यहाँ पे एक अलग ही स्ट्रक्चर बन के आया है, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, अगर आप स्ट्रक्चर मिस कर गए तो खत्म भाई फिर गेम आपका।
करना ही पड़ेगा तेज दौड़ने, कोई दिक्कत नहीं है तेज दौड़ने में, तब तक कोई दिक्कत नहीं जब तक आप गिरते नहीं हो। अब ये एक्चुअली चट्टान है, ये एक्चुअली चट्टान है, मैंने जंप कराया और फिर मैंने जंप कराया, बच गया हूँ। ये मेरे ख्याल से वही तोड़ेगा उस कांटे वाले से, वो मारने वाले से। अरे हाँ आशीष कह रहे हैं हार्ट बीट सही का भाई, हाँ हार्ट बीट है यार वो, सही पहचान है भाई, बहुत सही। अबे हट जा पीछे, याद ही नहीं आया कि जब भी फूटता है तो पीछे हट जाएगा। मिल गया ये है क्या, लेकिन इसका यूज क्या? फिर भूभू आया, फिर बजा भाई, फिर बजा, फिर से बजा, फिर से रास्ता आएगा आगे का मेरे को लग रहा है। अरे फिर बजाया, फिर बजाया, फिर बजाया भाई, मजा आएगी। अब पता नहीं कौन सी धुन बजेगी, अब सहना ही है। आज मेरे यार की शादी है, पता नहीं ऐसे ही कुछ बजाए बजाएंगे। और ये क्या कर रहा है वो, जो हृदय है ना वो सोखने लगा है सब चीजों को। मैं भी उसी दिशा में गया हूँ, मुझे भी सोख लेगा शायद। अरे ओ कितना गंदा गिरा भाई मैं, अरे तेरी दद्दा हो दद्दा हो दद्दा हो। हाँ हाँ आ गए भाई, कुछ टूट रहा है ऊपर, पता नहीं क्या टूटने फूटने की आवाज आ रही है कुछ, मुझे भी नहीं पता। मैं फिर भाग रहा हूँ, अब यहाँ पे जॉयस्टिक होती तो भाई बहुत तेज भागती गेम, क्योंकि जॉयस्टिक में रोटेट करना है ना, इसके अंदर मुझे कीबोर्ड में रोटेट करना पड़ रहा है एंगल, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है उसमें कंपेरिजन टू जॉयस्टिक। अब यहाँ पे कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कुछ हुआ तो है। और ए अरे 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 बाप रे, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सही है भाई, लेकिन मतलब ये शरीर के अंदर ले आया मुझे उसके। अब यहाँ से थोड़ा साइड से निकलना है, आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कूद जा भाई, कूद जा, बहुत बढ़िया, भाग भाग भाग। ये सारा उसका रक्त है भाई, लाल लाल पीला नीला हरा जो भी, लाल मतलब अभी तो लाल ही है, तो वही लाल पीला नीला हरा जो भी आपका हो, ये उसका एक्चुअली ब्लड है, ये उसके अंदर की हड्डियाँ, उसके अंदर का सब शरीर का अंग आता हुआ यहाँ पे। अब ये इतना ज़्यादा ट्रिकी है ना देखने में भाई, कई बार कन्फ्यूज़न हो जा रहा है मेरे को। ठीक है ये कुछ आया है, इस पर पहले से निशान बना हुआ है, मुझे नहीं पता। कागज मिला है एक अजीब सा, इस पर धुन बजी है, दो एक एक, फिर एक ब्रेक है, फिर एक, ठीक है दो एक एक, दो एक एक ब्रेक एक, ठीक है ठीक है ठीक है, दो एक एक ब्रेक और एक। अभी तोड़ेगा इसमें से कुछ नया मिलने वाला है, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन कुछ नया मिलेगा जो ऐसा यंत्र मिलेगा बजाने का। अरे पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, हर बार मर जाता हूँ भाई मैं। ये तो बांसुरी मिली भाई, अरे हाँ सही में बांसुरी मिली है, मुझे लगता है हमें बजाना है ये शायद। पहले दो था, फिर एक एक था, फिर ब्रेक था, फिर एक था। वाह बेटा बहुत अच्छा बजाए हो, वो कुछ हुआ नहीं, सही धुन नहीं बजा। अरे अरे ये क्या निकल रहा है, कुछ निकला तो है भाई फिर से। अच्छा यही धुन है, यही धुन है भाई, एक दो तीन, पता नहीं यार यही पजल है भाई, यही पजल है, पजल आई पजल आई पजल आई, ये बात भाई ये पजल है। मुझे इसको बजाना है शायद, इसके अंदर डाल के शायद। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, रास्ता तो है ऊपर लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता ना, ये तो देख लिया मैंने भाई। ये क्या किया, अरे घुस गया अंदर, अरे अभी बाहर निकला, फिर घुसा अंदर, उसी में से बाहर निकला, ठीक है वाट लगने वाली गंदी वाली, फिर से निकला उसी में से ही, ठीक है कोई नहीं पीछे जा। हाँ फिर इसी में से निकल रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई इसको, फिर से जा तो पीछे जा, इसमें घुस, इसमें घुस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो दो बार था फिर एक एक बार था। ऊपर एक टाइमर चल रहा होगा, अभी 13 मिनट और है हमारे पास इस गेम को खेलने के लिए, मैं अंत में जा रहा हूँ सबसे लास्ट वाले में। हर बार सेंटर से निकल रहा है, रुक इसका वो देख।
तो मुझे पांच इसने धुन दी है, पांच धुन बजानी है मेरे को। अच्छा पहले में से एक मिनट के, इसका मतलब ऐसा है पहले में से दो बार निकलना है, हो सकता है पहले में से दो बार निकलना है ऐसा कुछ है क्या? फिर एक, फिर एक, फिर ओ मैंने क्या बोला भाई, फिर नीचे ले गया। ओके एक्चुअली 1 2 3 4 5 ओके ठीक है ठीक है, एक बार मैं समझ गया भाई। एक टावर बना है, 1 2 3 4 5 इसमें पहला पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है पहला पहला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहला पहला दूसरा तीसरा ब्रेक, इसमें पहला हो गया फिर पहले में जाना है, देखना अभी मस्त होगा देखो खाली, पहला हो गया ठीक है, अब फिर पहले में, फिर पहले में, फिर पहले में, भाई गजब है, गजब पजल है, फिर पहले पे आ जाओ। हाँ घुस घुस कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई सही है, मैं आँख बंद करके कहता हूँ सही है, ऊपर ही जाएगा। अब दूसरा अब दूसरा अब दूसरा अब दूसरा, समझ गया भाई ये पैटर्न समझ गया, दूसरा अब दिक्कत है, अब तीसरा है ब्लैंक है शायद, तीसरा ब्लैंक नहीं, तीसरे पे तीसरा चौथा ब्लैंक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज सही कर देना, ये मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक आया, मुझे ब्लैंक मतलब नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक मतलब क्या है यहाँ में, यहाँ पे इस गेम में इस सेक्शन पे ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब क्या हो सकता है ये नहीं मालूम पड़ा। चलो ब्लैंक के मतलब ब्लैंक ही रखो, चौथे में घुसो फिर पांचवे में घुसो, चौथे में घुसो फिर पांचवे में, क्या फिनिश होना चाहिए, गलत हो सकता है ये हिस्सा, सबसे नीचे आ जाऊंगा, सबसे नीचे आ जाऊंगा, गलत होने पर सबसे नीचे आना है, एक्चुअली चौथी धुन है ही नहीं ऐसा समझो, ये जो ये पजल पेज है चौथी धुन है ही नहीं, मुझे पांचवा वाला ओपन करना था, ठीक है समझ गया समझ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ गया भाई हटाओ। समझ गया भाई, पहला पहला फिर दूसरा फिर तीसरा पर चौथा है ही नहीं, फिर पांचवा सीधा, पहला अब दूसरा, इसके बाद दूसरा ऊपर वाले खाने में दूसरा, बहुत सही, अब दूसरा फिर तीसरा चौथा है नहीं फिर पांचवा, अब तीसरा हा, अब पांचवा, कंप्लीटेड भाई मेरे को लग रहा है कंप्लीटेड है, अब ये गेम बताएगी कंप्लीटेड है या नहीं। हो गया हो गया हो गया भाई डन, बहुत बढ़िया। अब ये देखो फिर एक कुछ आया यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये तो भाई कुछ अलग ही लग रहा है, ये मुझे यंत्र नहीं लग रहा भाई, कुछ अलग लग रहा है। अबे हट जा पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, बस 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 आराम से बढ़िया, उठाओ भाई ये तो वो बसता है भाई वो मतलब सैनिक वैनिक में नहीं, पप्पा 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 पप्पा, अभी मेरे को लगता है इनमें जान आ जाएंगी, जो पीली पीली लटकी है ना ऊपर, कुछ हुआ नहीं अभी तो, कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या निकला, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है WWE का, कि अगर तुम हारोगे तो WWE छोड़ देना। अच्छा पूरी धुन बजा रहा है, ये पूरी धुन है इसकी, जितना मिला है नीचे से सब बजा रहा है, जो जो सामान मिले थे सब बजा रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है पहले ही बता दूं, मैं भी नहीं कर रहा, ये गेम खुद ही कर रहा है। अंडरटेकर कह रहा है, हाँ लग भी रहा है अंडरटेकर जैसा, भाई टोपी नहीं पहनी, कोट तो अंडरटेकर वाला ही है। अब ये क्या चीज है भाई, फिर पांच मुंह आ गए, अजीब है भाई ये पांच मुंह है, अब मैं क्या करूं इसको, एक अबे गलत डाल दिया तूने, वो नहीं है उस पे, अबे गलत डाल रहा है तू, गलत डाल रहा है भाई, गलत डाला है मैंने एक्चुअली, वो मुंह से बचेगा, वो एक्चुअली मुंह से बचने वाला है,
चौथा गया है, ठीक है समझ गया समझ गया। इसको उठाओ, बांसुरी सबसे पहले लगेगी जाके। अच्छा बांसुरी निकल नहीं रही अब, एक मिनट, तो ऐसा करो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालो। कुछ हो ही नहीं रहा भाई, ये अपने आप ही बजेगा लग रहा है, वो अपने आप ही सेट किया है भाई, मैंने कुछ नहीं। क्या बचा ये, मैं कहते थूक देगी, है मैं कहते थूक देगी, देखना मेरे को लग रहा है। ओए ए, 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 पड़ी, मुझे पता था भाई तुम्हारे यही लक्षण थे। अब समझ में आ गया ना भाई थोड़ा बहुत, अब चल जाके लगाओ सही ऑर्डर में, अबे पकाना मत बजा बजा गया। अच्छा पहले ये वाला निकाला, पोपो वो पीपड़ी वाला, जो वो वाला है जिसमें ऊपर की तरफ मुंह है पीपड़ी, वो आई। दूसरे पे मंजीर, वो क्या कहते हैं जो भी कहते हैं लंबा वाला, अभी ऐसे याद है मुझे, पहले मैं सामने मुंह, फिर लंबा वाला, तीसरी बांसुरी, चौथा सबसे बड़ा वाला है। ये वो गोल 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 घूमने वाला भाई, जिसके अंदर है तो वही बड़ा वाला ही पकौड़ी पिपोड़ी, लेकिन घूमने वाला इसके अंदर। अब इसको सेट करना है, ठीक है। पहले मेरा जो था वो नॉर्मल वाला था, मतलब कि ये वाला था, ठीक है। मुझे दूसरे वाले में डाउट है, ये पता नहीं क्या दूसरे वाले में। अच्छा हाँ वो सहनाई तो थी, दूसरे में सहनाई थी, तीसरी बांसुरी थी, सही है। अरे दूसरी बांसुरी हो गई, नहीं वही है, सहनाई है, सहनाई है, ठीक है सही है सही है भाई। लास्ट वाला जाके लगा दो, फिंगर्स क्रॉस्ड भाई, उम्मीद करते हैं यही पजल सही हो, मेरे को तो लग रहा है सही है, बाकी अभी बचने के बाद ही पता। पीछे रेड रेड क्या आ रहा है, वो खुश हो जाएगा भाई, वो खुश हो जाएगा, अभी मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। अभी तक तो नहीं आया, अरे आया 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 आया, खुश है कि नहीं, अरे ले गया। अच्छा अगर ना खुश होगा वो तो मार देगा, और खुश होगा तो ले जाएगा, ले गया अपने साथ ही, ले गया अपने साथ ही, ले गया उठा के ले गया भाई वो। भाई टाइमर का ध्यान रखना, 5 मिनट और है इस गेम के, अभी हम लोग उसी के पेट में ही है, वार्म हॉल में ही है। अरे भाई क्या कर रहा है ये, ये क्या चीज आई, अरे आंख है उसकी, उसकी आंख है भाई, उसकी आंख है, उसकी आंख पे मार रहे हैं हम लोग धड़ाधड़, फिर मार 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 मार, ये कैसे तो खुलेगा ही। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है भाई, गुस्सा आ रहा है उसको, अबे मार, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं, मार फिर मार फिर मार फिर गुस्सा, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा भाई, मुझे और कोई रास्ता नहीं, यहीं पे एक ही रास्ता है। हाँ खुला खुला खुला, अच्छा मारते रहो मारते रहे भाई, मारते रहे मारते रहे, थोड़ी आँख खुली है, हाँ ठीक है थोड़ी सी आँख खुली है भाई, पहले इतना छोटा सा गैप था, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे ही खुल जाएगा वो पूरा मुंह उसका, पूरी आँख खुल जाएगी। ऐसा मुझे लग तो रहा है भाई, पता नहीं अभी, मुझे तो यही लग रहा है ऐसे ही होगा यहां पे। छोटा हो रहा है यार मुंह उसका, अबे मारो कोई, और सही ढंग से मारो, ऐसा मारो कि उसको याद रहे यहां पे। भाई छोटा होता जा रहा है यार ये, पीछे जाने का मतलब है, रुको 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 रुको, दौड़ के आ रहा हूं, दौड़ के मार। अच्छा वो पहले ही चिल्लाता है, ओ जब वो चिल्लाए तब मारना है क्या, हाँ 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 मार 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 मार, हाँ यार क्या दिमाग वाला गेम है भाई। एक्चुअली वो मेरे मारने से नहीं चिल्ला रहा, वो जब चिल्लाता है मुझे देख के चिल्ला रहा है, वो जब मारे तो, जब वो चिल्लाए तब मारना है उसको, तब वो रिएक्शन देगा भाई अपना। अब मेरे हाथ से कंट्रोल, अरे भाग भाग भाग, नहीं 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 मेरे हाथ में नहीं है कुछ, तो भागना ही है शायद,
मेरे हाथ में है? नहीं, अबे मेरे हाथ में, भाग 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 भाग। अरे ये देखो, अबे अपने उस पे बैठ गया ये, क्या नाम है, अरे अपनी सूटकेस पे बैठ गया बंदा। स्केटबोर्ड हो गया ये तो। अच्छा हाँ, बचना है राक्षसों से। अरे 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 अरे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। वो बस भाग रहा। हाँ हो गया। मैं फिर से बता दूं भाई, हमारा 160 रुपीज वाला गोल अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो भाई प्लीज सपोर्ट कर दो, नहीं तो रेसिडेंट एविल विलेज भाई मेरे मिस हो जाएगी। तो अगर आप रेसिडेंट एविल विलेज देखना चाहते हो तो प्लीज सपोर्ट कर दो। मेरा कोट वोट सब उतर गया इस गेम में, मेरा सूटकेस गिर गया, मैं फिर से सफेद कपड़े में आ गया हूँ इस गेम में, पता नहीं क्यों क्या कैसे। घर आ गए फाइनली। अरे ये उसके मुंह से निकलने वाले कि पिछू से निकलेंगे इसके? अरे पैरों के निशान है, कुछ हुआ है क्या, कुछ घटना घटी है भाई, मैं चल नहीं पा रहा। अच्छा मुझे किसी ने मार दिया क्या? मेरे हाथ में अभी भी कंट्रोल नहीं है, गेम अपने हिसाब से उठेगा इसको। मैं ई दबा रहा हूँ। हाँ ई से उठा, ई से उठा। अब मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ जो ये निशान बना है ना पैर का। कुछ घटना घटी है भाई, कोई बहुत गंदी वाली घटना घटी है यहाँ पे। पैरों के निशान तो देख ही सकते हो आप लोग भी, कुछ हुआ है भाई, गंदा वाला कुछ हुआ है यहाँ पे। फोटो, लास्ट टाइम बीवी का फोटो था, इस बार भी वही फोटो है, बीवी बच्चे। अरे बच्चे के पैर को क्या हुआ? मुझे पता नहीं कि उसका पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के। वापस जा रहे हैं हम लोग पीछे की तरफ। कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे हाँ भाई स्पर्श, बिल्कुल सही कहा भाई, सिनेरियो ऐसा ही है, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं पता भाई, अभी मैं भी सरप्राइज है, मेरे लिए भी सब सरप्राइज है। अच्छा बंदा फिर वहां पे गया, खून के निशान जो है ना पैर के, वो आप देख सकते हो यहाँ पर हैं अंदर की तरफ। अभी तो मैं ये पूरी जगह देख ही रहा हूँ, कुछ ज्यादा ज्यादा वो नहीं कर रहा। ये सेलो टेप, सेलो टेप, सेलो टेप, पता नहीं इसका क्या यूज है, हो सकता है शायद वो, पता नहीं, अभी देखते हैं यार। अभी मैं गैस करना, मेरी गलती होगी। ये क्या चिड़िया है क्या, पता नहीं क्या है, कुछ है। अच्छा वो करंट टूटा हुआ था यार, वो टूटा हुआ था पावर, वो उसको चिपका दिया था कि वो कनेक्शन बैठ जाए उसके साथ। और ये पूरा एरिया सील कर दिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं। अभी तो हम सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, ये सब अब नॉर्मल हो गया है, पीली लाइट नीली लाइट। एक्चुअली ये गेम ब्लैक एंड वाइट है, तो ये जो मतलब पीली लाइट तो फिर भी ठीक है, पीली और रेड थोड़ी बहुत ठीक है, ये ब्लू वाली और ब्लैक वाली ये सब बेकार है। अब ये बोतल जो है, इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है, देखते हैं बोतल में। अच्छा ये बोतल नहीं है भाई, या यार कुछ भी, ये बोतल नहीं है भाई, ट्यूब लाइट है यार। रे 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 रे, पर ये लॉजिक समझ नहीं आया मुझे जरा भी। मैं ईमानदारी से कहूंगा, ये बंदे ने लाइट क्यों चालू की? और वहां पे तो स्विच है नहीं, जाए बैठा, ये स्विच कब से कैसे कर रहा है चालू? अच्छा कोई बंदे के हाथ के निशान भी है भाई, मुझे लगता है सही में बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे हाथों के निशान देखने को मिल रहे हैं। मैं शौक हूँ इस वक्त कि क्यों ऐसा है। अच्छा यार खुफिया कमरा, खुफिया कमरा भाई ऐसे नहीं टूटेगा, हथौड़ा वथौड़ा ले गया मस्त वाला तो ही टूटेगा भाई। नई गेम, हाँ वो टाइमर पूरा हो गया होगा तो हम लोग भाई कुछ देर में नई गेम चालू कर रहे हैं, कम से कम ये पजल तो सॉल्व करने। तो टाइम हो गया है भाई। हाँ ओ सीधा अंदर भाई, यहाँ पे कहीं पिक्चर की शूटिंग चल रही है क्या? ये कौन है भाई ये लोग? अरे सीरियसली मुझे नहीं पता लग रहा। अच्छा एक बंदे का मुंह उधर है। अरे
सबका मुंह आगे है, ये जो बंदा है ना, एक देखो 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 देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, इसका मुंह पता नहीं कैसे इस तरफ है, दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये पता नहीं कौन है। अबे ये क्या किया? अच्छा पूरा गिर गया, पूरा गिर गया भाई, सब गिर गए, रास्ता बन गया पीछे की तरफ। ओपी 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 भाई, गजब। अबे रास्ता तो है लेकिन मैं कूद नहीं पा रहा, वहां जा नहीं पा रहा। कोई नहीं, बाहर निकलो भाई यहां से। अरे सब गिर रहा है, अरे रे 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 रे, अस्त व्यस्त ना करो भैया। एक्चुअली मैं सब गिरा सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं गिराऊंगा, बाद में गिराऊंगा। बस अब गिर जाओ भाई, अब तेरे से मुझे कोई मतलब नहीं, गिर जाओ सब गिर जाओ। अबे आगे वाले को गिराओ, मजा आ रहा है देखने में। मैं चाहता हूँ एक को गिराऊ, सब गिरे, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये भाई, ये एक्चुअली इसको कुछ कहते हैं, मैं भूल गया इसको, इंग्लिश में कुछ वर्ड है, इस तरह की पजल्स आती हैं, उसको सेट करना होता है। अब यहाँ से भाई बाहर निकल, वो दीवार खोदनी है हमको, जो दीवार थी ना, जो दीवार थी वो दीवार अभी हमें खोदनी है ऊपर जाके, जो हमें खुफिया रहस्य मिला है, अब हम उसको खोलेंगे। ये तो ऊपर निकलेगा सीधा खड्डे में से ही। असली रहस्य तो भाई अंत में खुलेगा जब स्टोरी पूरी होगी, उससे पहले तो बहुत मुश्किल है इसके रहस्य को खोलना। लेकिन हम लोग बाहर आ गए हैं, हमें वो घर की खुदाई करनी है, जो ये खुफिया रहस्य था ना, यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये देखो, ये ब्लू ब्लू आ रहा है, जो ब्लू ब्लू एक्चुअली वह वही रहस्य है, वही उसी को तोड़ना है, उसी के लिए हम लोग लकड़ी लेके वो खोदने वाला लेके आए हैं, तोड़ दिया। अरे लाश पड़ी है, और कोई गेम वाला भी साइन है अजीब सा, पर्दा खुल रहा है। एक और कमरा मिला है खुफिया वाला, बहुत सारे खुफिया कमरे भाई इस घर में। ये घर के अंदर खुफिया कमरा है कि खुफिया घर, खुफिया कमरे के अंदर घर बनाया है, गजब बेइज्जती है। खुल नहीं रहा क्या? अरे यार यहां से खुलेगा। अरे बच्ची, बच्ची मिल गई, पर समझ नहीं आ रहा कि ठीक है मैं जा तो रहा हूं बच्ची की तरफ, एक्चुअली ब्लड का निशान उसी की तरफ गया है। अरे गायब हो गई यार, ये तो नौटंकी है, मतलब बंदा आप तक पहुंचे तो बंदे को ही गायब कर दो। अब ये क्या चीज पड़ी, चाबी घर की, ठीक है अच्छा है। अबे गिरियो ना, स्विमिंग पूल आई है, हरे कलर का, पता नहीं क्या एसिड है। गिर गई चाबी भाई मेरी, क्या नौटंकी किया भाई तूने, अभी गिरेगा अंदर तो जल जाएगा, अलग ही ड्रामा है भाई इनका। अब कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो लंबी चौड़ी हो, जिसको अंदर लटका के आप उसको फंसा के ले पाओ, अब वो कहाँ मिलेगी वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रिज के अंदर, अच्छा चुंबक, यकीन नहीं हो रहा भाई डेवलपर्स ने क्या मतलब लॉजिक से कनेक्ट किया यार, ओपी वाला गजब बनाया भाई। मुझे अब इस चुंबक से वो चाबी निकालनी है, लोहे वाली, सोचो यहाँ आ गए हम लोग, चाबी मेरी एसिड में गिर गई है। और ऐसा भी नहीं कि वहीं जाके गिरा हो गया, देखो मैं कहीं और जा रहा हूँ यहाँ पे, और मछली पकड़ने वाला है। अरे भैया हो गजब, अब वहां पे जाना होगा कॉर्नर पे, अबे उठा क्यों नहीं रही है, बाप रे जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त, आराम से आराम से आराम से। यार मेरे हाथ में है क्या कंट्रोल, कुछ है तो मेरे हाथ में, पर नहीं मेरे हाथ में एक्चुअली कुछ है नहीं, पता नहीं यार। अच्छा हाँ खींचना मेरे हाथ में था, आगे चाबी आगे, वो छोड़ दिया वाला बंदे ने, इतना खुश है, खुशी खुशी में वो मछली वाला ही फेंक दिया पीछे। अब फिर हम लोग निकल गए भाई, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। मैं बता दूं एक बात और खास बात, ये स्ट्रीम अभी यहाँ पे एंड होगा, हम एक और नया स्ट्रीम बनाएंगे, उस नई स्ट्रीम में दूसरी गेम खेलेंगे। फाइनली दरवाजा ओपन हुआ भाई, नहीं तो हो ही नहीं रहा था। मैं चाहता हूँ ये हिस्सा मैं एटलीस्ट पूरा कर दूं थोड़ा बहुत ही सही, अभी भी नहीं हुआ। हाँ ऐसा नहीं हो सकता भाई, अब ज्यादा हो गया अगर ऐसा होता तो। अब ये किसी की तकिया पड़ी है, ब्लड के निशान है, ये क्या था, कुछ है नीचे चक्कन वन है क्या,
कुछ है भाई नीचे, पता नहीं क्या है, चक्कू है, गन है, पता नहीं क्या है, जो था हाथ में ले लिया इन्होंने। नीचे से चले जा भाई, ऊपर से आ तो ये तो काटने वाली बात है। और सबूत मिलते हुए यहाँ पे छोटे मोटे, अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा। अरे 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 पजल, ये क्या हुआ? अच्छा वो नंबर बोल रहा है 5, नहीं ये सब गलत है, सब गलत है, क्योंकि अगर सही होता तो पहला ग्रीन आ जाता। ठीक है कोई नहीं, पहला ग्रीन आ जाता। ठीक है मैं हट गया हूँ यहाँ से, मैं 3 से शुरुआत कर रहा हूँ, 3 भी गलत है। हट गया भाई, हट गया, हट गया, हट गया भाई। गजब आया है अगला पजल। जो अगला पजल है उसमें मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाना है और उस कॉम्बिनेशन की मदद से मुझे करना है। यहाँ पे 4 कर रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, ये नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 पता नहीं यार, 1 भी नहीं है, तो फिर है क्या भाई? ये 2 है क्या? 2 भी नहीं है, अबे तो है क्या? अच्छा ये कुछ और है भाई, मैं समझा। एक और निशान दिख रहा है आपको? 5 का ट्राई कर लो एक बार। ठीक है 5 नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अबे ये दिमाग तो खुद ही लगाना है आपको। 3 पे जा रहा हूं मैं, ठीक है 5 4 2 3 5 4 2 1। पर भाई एक्चुअली मैंने हेल्प से पूरा किया है, इसका लॉजिक क्या है मैं बैठना समझ नहीं पाया। आजू बाजू, अच्छा हाँ ये रहा सबूत, ये सबूत आपको जिस ऑर्डर में मिले हैं वो ऑर्डर, मतलब पहले नंबर 5 मिला, ये क्या है भाई 5 5। गजब यार, मतलब ये क्या मिला? कैमरा? नहीं नहीं नहीं, लॉक डोर, लॉक डोर, लॉक डोर। अबे इसको कार ना, इसको तोड़ देना है भाई, इस कागज का कपड़े का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, ग्रीन है, अबे ग्रीन सिग्नल है, अब तो खोल दे। फिर ग्लिच आई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और हाँ भाई ये लास्ट है, ये कमरे से हम लोग बाहर निकले तो हम लोग एंड करेंगे स्ट्रीम को, और फिर एक और स्ट्रीम आएगी दूसरी गेम की। छाता मिल रहा है यहाँ पे, मैंने कहा था रेड कलर आएगा, रेड कलर आ गया भाई, थोड़ा देर से आया लेकिन आ गया। बारिश हो रही है इसलिए, वाह बेटा मौज कर दी। अब ग्लिच वाले मिशन जनरली बड़े होते नहीं है, और जिनको पता ना मैं बता दूं ये वही ऑफिस है जहां हम सबसे पहली बार आए थे। अबे रास्ता ही नहीं दिख रहा, आगे का अंधेरा इतना कर दिया डेवलपर्स ने। चाहिए अंदर जाने का रास्ता है तो, अबे कैसा गंदा रास्ता बनाया डेवलपर्स ने, सही में कुछ दिख ही नहीं रहा भाई यहां पे। इतना अंदर भाई, ग्लिच नहीं लग रहा मेरे को, मुझे कुछ और लग रहा है। अबे चल ले, दौड़ दौड़ दौड़। अरे जाली आ गई बीच में यार, ठीक है कोई नहीं, अभी ये हटेगा तब मैं आगे जाऊंगा। आगे रास्ता है राइट में से, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक नहीं जा सकते। अरे ये क्या हुआ? कुछ हुआ भाई भयानक वाला, लेकिन समझ नहीं आया कुछ। रोड भी क्रॉस करना है। हट जा हट जा हट जा, हाँ बस बढ़िया भाई, रन 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 रन। अरे रन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अबे करना, अबे कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो पजल आ जाएगी भाई। अरे यार ले, बचा बचा भाई, भाग भाग भाग, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी। अरे दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है, पर मेरे ख्याल से भाई ये बेस्ट वक्त है इस स्ट्रीम को एंड करने का। अब मैं फिर से बता दूं, यहीं पे ही अगला स्ट्रीम आएगा, मतलब थोड़ा सा अलग होगा, हमारी अगली गेम का आ रहा है, मैं उसका सेटअप ऑलरेडी रेडी रखा हूँ। पर मेरे को लगता नहीं कि दो गेम को एक स्ट्रीम में करने का कोई मतलब है, बेहतर है कि दो गेम्स हैं तो दो गेम्स दो अलग तरीके से आएँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। ये स्ट्रीम यहाँ पर रुक रही है, इस गेम का नाम था द प्लेन इफेक्ट।
इसकी एक्चुअल स्टोरी अभी समझ में नहीं आएगी। ये बंदा जो रोज काम करने जाता था, ऑफिस जाता था, अपने परिवार के साथ रहता था, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब गायब ही हो गया, मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच गया। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ते हो ना वीडियो का, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, जो इस गेम को बताता है कि ये गेम क्या है, ये बताता है कि एडवेंचर जर्नी है एक ऐसे बंदे की जो अपने घर से अकेला वापस आ रहा है, लेकिन उसके साथ रास्ते में क्या होता है उसी के बारे में है। और साथ ही साथ गॉर्जियस विजुअल्स हैं, क्राफ्टेड टेलर्ड बाय VFX एक्सपर्ट ने बनाए गए ये ग्राफिक्स। जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये एक्सपर्ट्स ने बनाए गए, ऐसा डेवलपर का कहना है। हर कोई यही कहता है कि भाई भले 12वीं पास बंदा भी बनाएगा तो सब कहेंगे एक्सपर्ट ने ही बनाया है, कौन अपनी बुराई करेगा भाई। तो ये था हमारा गेम प्ले भाई हाल फिलहाल, जो मैं कमेंट नाम पढ़ पा रहा हूँ एक बार फटाफट ले लेंगे हम लोग, तुरंत एंड करेंगे एक मिनट के अंदर ही, क्योंकि ये हमारा 1 आवर का एक और स्ट्रीम होने वाला है। ममत, अंकुर, मुथु, अमित, जाहिद, अंकुर कोठारी, पार्थ, अमिता, साथ ही साथ बिग शाउट आउट भाई हमारे सोम सेन गुप्ता को 1000 रुपीज का भाई पेटीएम सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई इवेंट का क्या हुआ, इवेंट भाई यही है कि इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ है रेसिडेंट एविल विलेज वाला। तो जब आप लोग यहाँ पर, अरे यार मैंने इमेज बदलनी है, रुको, ये इवेंट जो है हमारा ये वाला इवेंट भाई ये तभी पूरा होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। 160 रुपीज अभी भी थोड़े से कम पड़ जा रहे हैं, तो अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज पेटीएम नंबर दिया गया है स्क्रीन पे टॉप पे, वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो मैं अभी विदा ले रहा हूं, लेकिन तुरंत 5 मिनट के अंदर मैं वापस आ रहा हूं नई स्ट्रीम के साथ। ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, बाकी का गुड डे बाद में देता हूं भाई। सपोर्ट कर देना अगर कर सकते हो आप, तो मिलते हैं अब 5 मिनट के बाद।